नोच लिए। अब देखिए, आप खुद देखिए, देखिए ये ना काला काला मिट्टी पूरा जमा पड़ा हुआ, देखिए ये देखिए मिट्टी है, दिख रहा ना, ये मिट्टी है ये। अब बताइए आपके वो गंदगी हो, क्या बीमार नहीं पड़ेंगे आप, देख रहे? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करते करते देखिए, उसके बाद रैम के ऊपर मिट्टी जमा पड़ा हुआ है, ये मिट्टी जमा पड़ा हुआ है। तो सबको देखिए भैया, ब्रश से लेकर के ऐसे ब्रश से लेते हैं, इसको हम सबसे ऐसे करके साफ कर देते हैं, ब्रश को लेते ऐसे करके हम साफ कर देते हैं। ये देखिए, दिख रहा ना, ये ब्रश को लिया हमने और इसको जो है ऐसे करके हम इसको साफ कर दिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास SCL कंपनी का एक कंप्यूटर बनने के लिए आया हुआ है। कस्टमर ने बताया हुआ है कि सर कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है और आप इसकी सर्विसिंग कर दीजिए, तो मेरे पास CPU पहुंचा दिए हैं। तो आज वीडियो में आपको सिखाएंगे कंप्यूटर की सर्विसिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे की जाती है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है पूरे वीडियो को देखिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये है CPU, ये है मॉनिटर, ये कीबोर्ड माउस। देखिए इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, इसके अंदर क्या है ना, पंखा लगा रहता है, दो पंखा होता है, एक SMPS का फैन होता है और एक CPU का फैन होता है। बहुत बार गंदगी जो है ना बाहर खींचता रहता है तो अंदर बहुत डस्ट जमा हो जाता है। तो ये खोल कर 6 महीने 1 साल के अंदर आपको खुद करना चाहिए, या ना किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाकर घर पर इसको आपको साफ करना चाहिए। अगर नहीं कराते हैं तो आपके कंप्यूटर प्रॉब्लम आ सकता है। जिस प्रकार से आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, जिस प्रकार से अपने कार की सर्विसिंग कराते हैं, उसी प्रकार से समय रहते कंप्यूटर की सर्विसिंग कराना चाहिए किसी एक्सपर्ट से। तो हम आपको सिखाते हैं कि आज कंप्यूटर की सर्विसिंग कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर हमारा ऑन है, स्लो चल रहा है। कभी कभी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमने देखा हुआ है कि साफ ऑफ करने से ना कंप्यूटर स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। अब रियलिटी बात है, क्या बात है भगवान जाने, लेकिन ये है कि कभी होता है। तो हम इस कंप्यूटर को शट डाउन कर लेते हैं और इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको बंद कर लेते हैं, कंप्यूटर को हम शट डाउन कर लेते हैं। शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ F4 दबाया है तो आपका कंप्यूटर ये शट डाउन हो रहा है। ये कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा उसके दिखाएं। हाँ, चैनल पे पहली बार आया हुआ है, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए कंप्यूटर हमारा बंद हो चुका है, अब क्या करते हैं, जितने तार लगा रहे उस सबको बंद कर देते हैं। यहाँ से मैंने बंद कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया और इसके बाद CPU को हम ये मोड़ लेते हैं। मॉनिटर हमारा कोई दिक्कत नहीं, पीछे से तार निकाल देते हैं। देखिए ये हमारा CPU SCL का है। और हाँ, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी ऐसा टेक्निकल काम करिए ना तो पैर में चप्पल पहन लीजिए, जूता पहन लीजिए, क्योंकि ना ये सब जो है बॉडी में अर्थ लेकर के करंट मार सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने पैर में चप्पल जूता पहन लिया हुआ। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कुछ भी करना हो तो आपको करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कुछ भी करना हो। तो देखिए ये दो स्क्रू लगा होता है यहाँ और यहाँ, तो मैंने स्क्रू खोल लिया है आपको दिखने के लिए, तो मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए ये जाम है थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ से, हाँ पहले मैंने तार निकाला है पीछे, देखिए पावर केबल यहाँ निकाल दीजिए, ये मैंने पावर केबल निकाल दिया और ये दिया हुआ डब्बा दिया हुआ, देखिए ऐसे ऐसे में घुमाया तो देखिए हल्का सा ये बाहर आ गया, ये डब्बा इसका निकल गया, ये कवर है ये। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग पास जो है ये कंप्यूटर होगा तो ये करते होंगे। तो इस तरीके देखिए, अब ये CPU हमने खोल दिया है। CPU खोलने के बाद में इसमें जो पार्ट दिख रहा है हमको ना, एक तो इसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है, एक इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है, SMP लगा हुआ है। तो सबको खोलेंगे और दोबारा जिसको सबको बांधेंगे, सबको लगाएंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले जो हम क्या खोलेंगे, पहले खोलेंगे हम SMPS। और आप बताओ, आपको ना दो पंखे होते हैं, एक पंखा SMPS में होता है, एक पंखा जो CPU के अंदर होता है, ये दोनों गंदगी खींचते रहते हैं। गंदगी इसके अंदर देखिए, ये गंदगी निकल रहा है इसके अंदर, देखिए गंदगी है ना, ये ऐसे ऐसे गंदगी निकल रहे, ऐसे पूरे भरे पड़े हुए हैं ये। तो सबको हम खोल के करने के लिए, इसको चाहिए आपको, चाहिए एक, चाहिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए ऐसा, और एक चाहिए ब्रश चाहिए, सिंपल तरीके छोटा ले लीजिए। तो अब ये देखिए जितने तार लगे हुए हैं सबको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। एक लगा हुआ मोटर का तार VGA केबल, इसको मैं ऐसे निकाल देता हूँ। उसके बाद लगा हुआ कीबोर्ड का तार, इसको निकाल देता हूँ। और एक वाईफाई डोंगल लगा हुआ है, ठीक है, और ये भी मैंने निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब निकालने के बाद में हम पहले खोलते हैं SMPS को। खोलने के लिए इसको सिंपल तिरछा कर देते, देखिए दिख रहा है आपको ना, हाथ दिख रहा है। और देखिए SMPS में 1 2 3 4 तार क्या ये सारे स्क्रू दिए रहते हैं, इसको पहले हम खोल लेते हैं। हाँ आपको बता दूं मैं एक चीज़ और, देख लीजिए आप, ये जब आप इसको खोलने जा रहे हैं ना तो इसकी कनेक्टिविटी होती है सब चीज़ों में, हार्ड डिस्क में कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है राइटर में कनेक्ट होता है, तो सबका अलग पावर केबल होता है। तो देखिए कंप्यूटर में एक तो बड़ी अच्छी बात यह होती है कि जहाँ का तार होता है वहीं लगेगा, अगर उल्टा लगाने का प्रयास करेंगे टूट जाएगा,
लगेगा नहीं। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया अगर होगा ना तो कैसे कौन तार लगाते हैं, तो मैं निकाल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इस SMPS से एक 12 वोल्ट कनेक्शन दिया रहता है हार्ड डिस्क के अंदर, एक 12 वोल्ट कनेक्शन दिया रहता है राइटर के अंदर, और एक होता है ATX और AT पिन कनेक्टर। तो पास से देखिए तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ कैसे करते हैं। चलिए लेके चलता हूँ आपको। अब क्या करते हैं, हम तार को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये SMPS से बहुत सारा तार दिखेगा आपको, अगर आप जानकार नहीं तब आपको लगेगा कि कहाँ तार क्या लगेगा। तो ये हार्ड डिस्क है, ये दिख रहा है ना, हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। तो बहुत डेलिकेट चीज़ होता है, इसका बड़ा ख्याल से आप करिए। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ लॉक, अगर आपने लॉक दिया इसको दबाएंगे ऐसे तार ये, तो ये वाला तार निकल जाएगा। और उसके बाद ये वाला SMPS तार है, ये ऐसे करके ऐसे हल्का हल्का हिलाएंगे तो ये तार निकल गया, ये निकल गया। सेम इसी प्रकार से राइटर में तार दिया हुआ है, ये नीचे ऊपर दबा देंगे दिख नहीं रहा होगा, तो ये ऐसे खींच लेंगे। देखिए लॉक दिया वैसे दबाएंगे ना इसको तो ये निकल जाएगा, बहुत बार लॉक नहीं दिखेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो लॉक दिया तो मैंने इसको दबाया, वरना खींचेंगे टूट जाएगा, निकलेगा नहीं, लॉक नहीं दबाएंगे तो ये हो गया। उसके बाद ये एक तार SMPS का होता है, देखिए ये जो तार ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये तार मदरबोर्ड से लगा हुआ है, लेकिन ये तार दिया हुआ था, ये दोनों तार निकाल लिया। और उसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट तार यहाँ दिया हुआ है जो मदरबोर्ड में सप्लाई आता है, दिख रहा ना ये, इसको बोलते हैं ATX कनेक्शन। तो इसको निकालने के लिए भी यहाँ पे देखिए लॉक दिया हुआ है, ये दिख रहा ना लॉक, इसको मैं दबाएंगे, दबाने के बाद में ऊपर खींचेंगे तो ये निकल गया, ये अगर ये नहीं दबाएंगे तो अगर खींचेंगे टूट जाएगा, इसलिए ये दबाएंगे तो निकल जाएगा, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और नीचे देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ 12 वोल्ट कनेक्शन, ये दिख रहा है आपको, देखिए दिख रहा 12 वोल्ट का। तो यहाँ भी लॉक सिस्टम होता है, ये देखिए टेढ़ा कर ले रहा हूँ मैं इसको लेके, यहाँ भी इस तार को निकाल देते हैं, इस तार को असेंबल करके निकाल दिया, देखिए ये भी निकल गया। अब ये जितने तार दिए हुए हैं SMPS के सब तार निकल चुके हैं, इसको बहुत ईजी लगाने के लिए बताया ना आपको, देखिए मैं जहाँ से लगाया हूँ लॉक सिस्टम दिया हुआ देख के लगा देंगे, उसके बाद ये वाला सिस्टम देख के लगा देंगे। हाँ ये देखिए लॉक दिया हुआ है, सब दबाना पड़ता है, ऐसे दबाना पड़ता है, ये हमने कर दिया। अब इसको हम पहले खोल लेते हैं, गंदगी दिख रहा ना, ये गंदगी भरमार पड़ा हुआ है, ये देखिए धूल एकदम भरा हुआ है इसके अंदर, हाथ में देखिए मेरे दिख रहा है धूल, ये दिख रहा ना आपको, ये धूल है सब है। तो इस सबको क्लीनिंग करना जरूरी होता है, नहीं होगा तो ये क्लीनिंग क्या होता है ना, मॉइस्चर पकड़ने के बाद में ये आपस में सड़ जाते हैं, उसके बाद मदरबोर्ड फूक जाता है, मदरबोर्ड जल जाता है। तो फ्यूचर में पैसा बचाने के लिए किसी टेक्नीशियन को बुला करके 300-400 खर्चा करके उनसे सर्विसिंग करा लीजिए, ब्लोअर मराना ब्लोअर मरा दीजिए। लेकिन मैं तो क्या करता हूँ, पूरा पूरा खोलता हूँ और पूरा खोल के दोबारा डिसम्बल करता हूँ, फिर असम्बल करता हूँ। देखिए अब 4 स्क्रू दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी इसको हम खोल लेते हैं। देखिए ये हमने जल्दी से खोल लिया 4 स्क्रू, और दिखाते हैं आपको, हमें ये खोल लिया हमने। और कभी कभी बहुत ऐसे चोर पंचर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो अगर इस प्रकार से आप कर देंगे ना, खोल के दोबारा डिसम्बल के असम्बल कर देंगे, तो आपका कंप्यूटर बहुत बार ऐसे ही बन जाता है। तो देखिए ये हमने किया, उसके बाद ये 4 स्क्रू यहाँ दिया हुआ है, पूरा खोलते रह रहे हैं, आपको हम सिखाते रह रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल्का जैसे प्रेस करिए, देखिए एक स्क्रू यहाँ और बचा हुआ है, 4 ही दिया था, हाँ एक यहाँ, इसको हम ऐसे खोल लेते, देखिए इसको ये हमने खोल लिया। अब कुछ नहीं करना, झुक गया है, इसको ऐसे पकड़िए, पकड़ के से उसको उठा दिए, देखिए ये बाहर निकल आया, ठीक है ना, ये बाहर निकल आया। देखिए गंदगी दिख रहा है, जला हुआ एकदम भरा पड़ा हुआ है। तो अब इसके लिए चाहिए सिंपल सा ब्रश चाहिए, तो देखिए ऐसे करते हैं भैया, तुम साफ हो जाओ एकदम, दिख रहा है ना, ये गंदगी भरमार है। और ये कंप्यूटर ख़राब होने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए इसके बाद आता है, हम क्या रख देते हैं इसको, इसको साफ़ कर लेते हैं सबको वन बाई वन करके, देखिए साफ़ कर लेते हैं, ये हटा दिया हमने करके। और उसके बाद अब ये रहा, अब इम्पॉर्टेंट आता है कि इस मदरबोर्ड खोला जाए, ये जो मदरबोर्ड दिख रहा है खोलने के लिए, मदरबोर्ड खोलने के लिए देखिए उल्टा रख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, आपको दिखाई दे साफ साफ, और ये हो गया। इसमें स्क्रू लगे रहते, देखिए एक स्क्रू यहाँ दिया हुआ है, एक स्क्रू यहाँ दिया हुआ, हाँ ये भैया आप सोच रहे हो तार निकालने वाले, पहले तार निकाल लेते हैं। देखिए जो वाइट वाला तार दिख रहा है, ये फ्रंट का USB पोर्ट होता है उसका है, और आवाज़ लाने के लिए होता है। तो सिंपल जान लगा वो, क्योंकि उल्टा लग नहीं पाता है ये, इसको ऐसे नोच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ये निकल गया। उसके वाइट वाला तार दिया हुआ, ये इसको ऐसे नोच दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कठिनाई होगी इसमें लगाने के लिए, जो ये पावर स्विच रिसेट का, देखिए ये ऑन ऑफ करने का स्विच दिया रहता है, रिसेट स्विच दिया रहता है, ये दिख रहा ना, ये दिख रहा, ध्यान देखिए, ये जैसे ऑन ऑफ करते हैं हम लोग हैं तो इसको दबाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तार कनेक्ट होता है मदरबोर्ड के अंदर। तो यहाँ देखिए फ्रंट पैनल लगा रहता है, देखिए यहाँ लगा हुआ है ये, थोड़ा मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा हूँ कैसे कैसे कनेक्ट करना है, तो हमारे पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, वरना जब मैं लगाऊंगा दोबारा दिखा दूँ आपको। तो ये तार भी ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं, देखिए लगाने में टाइम लग सकता है, निकालने में सिंपल ऐसे करके खींचेंगे तो ये सब तार जो है आपस में बाहर आ जाएगा। देखिए 4 आ गया, इसको भी बाहर ऐसे करके आप देखिए, ये केबल दिया हुआ साटा केबल है, ये निकाल लिया हमने करके, इसको निकाल लिया, ये सब बाहर हो चुका है। देखिए अब ये तार है, ये हार्ड डिस्क में कनेक्ट करते हैं, राइटर में कनेक्ट करते हैं, ये निकाल लिया। हाँ सर्विसिंग करने की बता रहा हूँ आपको मैं, ख़राब मत कर दीजिएगा, वरना किसी एक्सपर्ट बुला करके आप इस काम को कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट आप नहीं है, खुद करेंगे खराब हो जाएगा, फिर कहेंगे जोगिंदर जी ने सही बताया नहीं था। ये आपको सिखा ही रहा हूँ कि किस प्रकार से काम होता है। ये देखिए स्क्रू खोल लिया हमने, और ये देखिए खोल लेते हैं पूरा पूरा, ये भी खोल लिया हमने, टेढ़ा इसलिए कर दिया हूँ कि आपको साफ साफ दिखे,
और आपको साफ दिखना चाहिए। और देखिए इस कंप्यूटर में मुझे लगाना है SSD, मतलब कि स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो कस्टमर ने कह दिया है कि SSD लगाने के लिए। उसके पहले मैं एकदम इसकी सर्विसिंग कर रहा हूँ कि सर्विसिंग हो जाएगा तो हो सके कंप्यूटर की थोड़ी लाइफ और बढ़ जाए। देखिए ये हो गया, स्क्रू हो गया और यहाँ पे एक दो सब निकल चुके हैं। अब इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ क्योंकि निकालने के लिए ना सिस्टम से होना चाहिए। देखिए ये हो चुका है, ये हो चुका है। हाँ एक स्क्रू यहाँ दिख रहा है, टेढ़ा तो नहीं दिख रहा था, एक स्क्रू यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक स्क्रू, ये देखिए ये देखिए ये स्क्रू हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसको देखिए, पंखा है ना, ये पंखा को ऐसे पकड़ के हल्का हिस्से हैं और ये टेढ़ा करके, और ये देखिए ये हमारा मदरबोर्ड जो है बाहर आ गया। सब तार हमने ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर रखा है, ये मदरबोर्ड है ये, ठीक है। इसको हमने ऐसे रख दिया मदरबोर्ड, इसको भी साफ़ करेंगे। अब देखिए ये आपको दिखेगा इसके अंदर सर्विसिंग करने के लिए, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा था, ये ऊपर गंदगी है, इसके ऊपर गंदगी है, ये धूल है, ये धूल एक्चुअल में इकट्ठा होते आपस में सड़ जाते हैं कभी बरसात के अंदर, कभी ठंड के अंदर। देखिए ये इसको हम ब्रश से साफ़ कर लेते हैं। अगर आपका ब्लोअर है तो ब्लोअर आप मार दीजिए, अगर ब्लोअर हर जगह हर घर पर ब्लोअर नहीं होता है। इसको देखिए ऐसे हम करके इसको अब बाहर लेके इसको हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से बता रहा हूँ, ये देखिए ये वो टिपिकल चीज़ नहीं है, इसको ऐसे करके ब्रश से आप मार लीजिए, इसको साफ़ कर लीजिएगा, ये करके गंदगी हम निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको उठाते हैं, किनारे रख देते हैं, इसको हम किनारे रख देते हैं यहाँ पर। देखिए हमने किनारे रख दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, ये मदरबोर्ड भाई, देखिए ये है मदरबोर्ड कंप्यूटर का, इसको मेन बोर्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि देखिए रैम ये लगा हुआ है, रैम है ये और दो रैम लगा हुआ, उसके बाद ये CPU नीचे लगा, उसके ऊपर फ़ैन दिया हुआ। ये साफ़ करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखिए मॉइस्चर आएगा ना, ये छोटे छोटे कंपोनेंट के पीछे में गंदगी भर जाएगी, तो इसके वजह से शॉर्ट करेगा, फिर आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा, तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो देखिए रैम पहले निकाल लेते हैं, ये रैम निकालते हैं, ये रैम निकालते हैं, उसके ये रैम निकालते हैं, उसके ये रैम निकालते हैं, दोनों देखिए निकल गया यहाँ पे। और इसको सिंपल ऐसे उठा लेते हैं, ये भी ऐसे उठा लिया हमने, ये दोनों उठ गया। और देखिए ये जो CPU दिया है ना, इसके नीचे ये जो दिया हुआ है, आप में हो सके अलग पंखा दिया हो, आपके जो कंप्यूटर है इसको देखने के पॉइंट ऑफ मतलब देखने सीखने के पॉइंट, देखिए इसको आप ये करके, इसमें देखिए एक चार ये दिया हुआ है, इसके नीचे गंदगी अक्सर हो जाती है, तो इसको हम ये चार स्क्रू खोल लेते हैं। तो ये खोलना बहुत टिपिकल चीज़ है, बहुत सारे लोग जो है वो CPU को नुकसान पहुँचा देते, तोड़ देते हैं, तो इसलिए देख के खोलिएगा। और आप में हो सके लॉक सिस्टम दिया हो तो कैसे खोलिएगा, देखिए एक दो तीन चार यहाँ दिया हुआ है, और इसके नीचे गंदगी का भरमार होता है अक्सर, क्योंकि पंखा खींच लेता है। और कुछ दिनों के बाद ये खोल लेना चाहिए, वरना ब्लोअर से साफ़ कर लेना चाहिए। तो मुझे इसको जो है अपडेट करना है कंप्यूटर को, मतलब SSD लगा करके विंडो 10 लोड करना, दोनों काम हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए ये हो गया, और उसके बाद यहाँ से फिर हमने इसको ऐसे नोच दिया, चारों स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि बहुत स्लो चलेगा तो आप फिर बोर हो जाएंगे, तो इसलिए जल्दी हम जो अभी जब वीडियो हमारा अपलोड हो जाएगा तो हम इसको कर देंगे, मतलब तेज़ कर देंगे थोड़ा। देखिए ये रहा भैया गंदगी का भरमार। देखिए इस पंखे को ऐसे हम नोच लिए, अब देखिए आप खुद देखिए, देखिए ना काला काला मिट्टी पूरा जमा पड़ा हुआ, देखिए ये देखिए मिट्टी है, दिख रहा ना ये मिट्टी है ये। अब बताइए आपके ऊपर गंदगी हो, क्या बीमार नहीं पड़ेंगे आप, देख रहे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करते करते देखिए, उसके बाद रैम के ऊपर मिट्टी जमा पड़ा हुआ है, ये मिट्टी जमा पड़ा हुआ है, तो सबको देखिए भैया ब्रश से लेकर के ऐसे ब्रश से लेते हैं, इसको हम सबसे ऐसे करके साफ कर देते हैं, ब्रश को लेते ऐसे करके हम साफ कर देते हैं। ये देखिए दिख रहा ना, ये ब्रश को लिया हमने और इसको जो है ऐसे करके हम इसको साफ कर दिए, हाँ इसको हमने देखिए अब बाहर लेके आता हूँ, उसको झाड़ के आता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको मैं, दिख रहा है मिट्टी, कुछ नहीं करना, भी खोलना नहीं है, सबको बाहर लेके जाता हूँ, फिर खोल के गंदगी साफ कर दिए। अभी देखिए ये साफ हो चुका है। देखिए इसको निकालना, इसको बोलते हैं CPU, मतलब कंप्यूटर का दिमाग ये होता है। देखिए लॉक दिया हुआ है और आप में हो सके लॉक सिस्टम अलग हुआ, तो इसको निकालने का तरीका देखिए, इस वाले को तो ऐसे निकालते हैं, निकालते हैं, और देखिए ये ऐसे कर लिया और यहाँ पर ये ऐसे उठाएंगे और यहाँ भी गंदगी होती है, तो सिंपल तरीके से ये CPU को इसको उठा लेते हैं यहाँ से, देखिए उठ चुका है एकदम, यहाँ बीच में नीचे हाथ ना लगे, और इसको आप फूंक सकते हैं, देखिए ये हट गया, और इसको ध्यान दिए। देखिए हम लोग तो काम करते करते एक्सपर्ट हो जाते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होता। देखिए यहाँ पे इसको टच नहीं करना आपको, ये बहुत क्रूशल चीज़ होता है, बहुत डेलिकेट है ये, इसको टच नहीं करना है, पे आप फूंक सकते हैं, देख के इसको हमने कर दिया। इसको ऐसा नहीं कि ब्रश लेकर इसको आप साफ करना स्टार्ट कर देते, कर देंगे टूट जाएगा, फिर तो मदरबोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा। ये हो चुका है, इसका हमने कर लिया। अब देखिए एक कट मार्क दिया हुआ, एक कट मार्क ये दिया हुआ, एक कट मार्क ये दिया हुआ, दोनों को, तो यहाँ भी एक कट मार्क दिया, यहाँ कट मार्क दिया हुआ, तो इन दोनों कट मार्क को देख के बैठाना रहेगा सिंपल। देखिए एक कट मार्क दिया हुआ ना, ये ध्यान देख रहा हूँ, ये कट मार्क है यहाँ पे पॉइंट के बगल में, और ये देखिए ऐसे करके इसको ऐसे सिंपल तरीके से फोर्स नहीं करना है, इस कट मार्क को ऐसे देख के यहाँ पे इसको आप बैठा देना है, ऐसे करेंगे देखिए कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सेट हो गया, ये कट मार्क यहाँ, यहाँ कट मार्क देख के बैठ गए। अभी देखिए सेट, अब इसको ऐसे गिराएंगे, गिराने के बाद में ये से लग गया, और फिर यहाँ लगा कर इसको ऐसे हम देखिए ये लग के इसमें लॉक हो गया है,
ध्यान करिएगा, नई आइडिया है तो किसी एक्सपर्ट बुला के काम करवा लीजिएगा, बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे काम होता है ये, देखिए हमने ऐसे कर लिया ये, ठीक है। अब दोबारा इस पंखे को यहाँ लगा देना है, ये पंखे के नीचे ये दिख रहा ना, ये हीट सिंक है, मतलब ये ठंडा करता है, एलुमिनियम बना होता है, ये भी गंदा हो जाता है, तो इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं भाई, इसको भी ब्रश से लेकर के, देखिए ये दिया हुआ है एक कमरे में, इसको हम साफ़ कर चमका देते हैं, देखिए ये जो है, देखिए ये चमक गया एकदम पूरा। कंप्यूटर काम में गंदगी से बड़ा सामना करना पड़ता है हम लोग को भाई, ऐसा नहीं कि एकदम काम है, देखिए गंदगी निकल रही है, देखिए देख रहे ना भाई, ये देखिए इसके पंखे में डाल के इसको आप ऐसे करके खींचेंगे, ये ऐसे होती है सर्विसिंग कंप्यूटर की, जैसे गाड़ी के मैकेनिक लोग होते हैं अपना गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं, हम लोग कंप्यूटर मैकेनिक इसको करते हैं। आहा, सही बात है भाई। अब देखिए ये लग गया, अब इसको दोबारा बैठा देना, हाथ गंदा एकदम हो गया, झाड़ लेते हैं, झाड़ लिया हमने। अब देखिए ये इसको क्या करने के लिए ना, अब देखिए ये तार जो लगना है, ये तार है ना, ये तार देखिए कहाँ पे तार के लगाने जगह दिया हुआ है, तार लगाने का जगह आपको दिया हुआ है कि साइड ये दिया हुआ है, तो अब हमको क्या करना है, ये जो पंखे तार इधर आए, ठीक है, ये ऐसे लगाने के लिए आए, और इसके नीचे पहले देखिए एक लगा था ये कनेक्टर, इसको पहले सेट कर लेना है, ये उल्टा लगा, इसी के अंदर स्क्रू टाइट होगा, पंखा टाइट इसी के अंदर होगा, तो इसको मैं लगा दिया नीचे। अब देखिए फैन का ये होगा, और इसको हमने बैठा दिया सीपीयू को, और ये हो रही सर्विसिंग। किसी इंस्टीट्यूट में पैसा देने के बाद में इस प्रकार से प्रैक्टिकल नहीं करवाते जिस प्रकार से हम लोगों को सिखाते रहते हैं, तो धन्यवाद दीजिए अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर फील्ड के। देखिए अब इसको करके, ये G41 मदरबोर्ड है, पुरानी टेक्नोलॉजी का है, और अब तो नया आता है, लेकिन जब आप कोर्स करने जाएंगे तो आपको पुराने पे सिखाया जाएगा, नए पे बहुत संभावना कम होता है कि नया वाला चीज़ नहीं करेंगे, हम लोग पुराने पे सीखे हुए हैं। तो देखिए ये अब टाइट कर दिया, मतलब एक साइड से टाइट कर दिया, एक साइड टाइट कर देते हैं तो चारों बैलेंस बना रहेगा, और इस साइड से देखिए टाइट कर दिया हमने, ये देखिए ये टाइट हो गया, ये हो रहा है, फुल टाइट होना चाहिए, ये फुल टाइट हो रहा है, ये टाइट हो गया, उसके बाद एक ये टाइट हो गया, देखिए ये टाइट हो गया, इधर से एक टाइट ही हो गया, ये टाइट, यहाँ से चारों टाइट हो गया। अब अगर हिलेगा नहीं पंखा, अगर ये टाइट हो चुका, अब देखिए रैम जो लगा हुआ ना, रैम, ये भी रैम भी गंदा ही है, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं यहाँ से, ये हमने साफ़ कर लिया यहाँ से, उसके यहाँ साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद में इसके बाद ये भी रैम को साफ़ कर लिया हमने, और ये अगर हो सके आपके पास तो बच्चों का जो पेंसिल रबड़ होता है ये पैक हो चुका है। अब ये जो रैम है ना, रैम में देखिए गोल्डन पट्टी नीचे दी रहती है, तो सर्विसिंग करते हैं तो इसको भी एक चाहिए, बच्चों वाला रबड़ चाहिए, इसको ले करके गोल्डन पार्ट को ऐसे रब कर दीजिए नीचे, देखिए नीचे ऐसे रब कर देंगे, ये हमने रब कर दिया इसको, तो ये नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम जो अक्सर आता है, तो संभावना है कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके कंप्यूटर में। देखिए हम रब कर लेते हैं और देख करके, और दोनों को नीचे समतल हो, वरना उल्टा सीधा रहेगा तो टूट जाएगा रैम, ये हो चुका है। अब देखिए इसमें कट मार्क दिया हुआ, कट मार्क, तो कट मार्क को देख करके यहाँ पे कट मार्क दिया हुआ, इसको तब लगाना है, ऐसे उल्टा लगाएंगे टूट जाएगा, लगेगा नहीं, देखिए कट मार्क ये है, और इसे मैच करना है, इसके बाद ऐसे यहाँ लगाना है इसको, देखिए रख के ये पकड़ के इसे दबा के इस साइड से ये दबा दीजिए, और एक साइड से ये दबा दीजिए, देखिए ये लॉक कस से बैठ जाएगा, बैठ गया ये, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रैम था ये भी कट मार्क दिया हुआ है, इसको भी यहाँ से देखिए आप, ऐसे यहाँ से देखिए, और देखने के बाद में इस साइड से देख लीजिए, और ये देखिए आप दोनों साइड से देख करके, इस साइड से आप इसको देख लीजिए, इस साइड से इसको देख लीजिए, दोनों देख लिया, ये रैम बैठ चुका है। ये जो पंखा है, इसको पंखे को करंट चाहिए होता है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ जगह दिया हुआ है, इसको यहाँ से हम ऐसे ये भी इसको लगा देते हैं। देखिए ये हमारा जो है, मतलब इंजन एक तरह से कह सकते हैं, इंजन हमारा जो है सेट हो चुका है। अब दोबारा हमारे डब्बे में बैठाना है, तो अभी यहाँ SMPS भी देख लीजिए, SMPS है ये, और इसमें देखिए पंखा लगा हुआ ना, पंखा ये गंदगी खींचता रहता है, इसको अगर ऐसे मारना होना है, इसे मार दीजिए पूरा पूरा, और ये तार दिया हुआ तार पे ब्रश मार दीजिए, गंदगी होता है। देखिए बहुत सारा ब्लोअर होगा, ब्लोअर अगर ब्लोअर से कर लीजिए, लेकिन जब हाथ से करते हैं ना खुल के एकदम चीज़ें, तो और अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो इसके लिए कोई एक्सपर्ट ही कर पाएगा, नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट तभी करिए, नहीं तो आप किसी टेक्नीशियन बुलाकर करिए, वरना सीखिए इससे कैसे कैसे करते हैं, और एक दो तीन चार वीडियो को रिपीट कर देखिए, ये हो चुका है। और हार्ड डिस्क को खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है ना, हार्ड डिस्क उसमें गंदगी ऊपर ऊपर जाता है, अंदर से गंदगी नहीं आती, हार्ड डिस्क जो लगी हुई है ये ऊपर है, खैर इसमें मुझे SSD लगाना है, तो देखिए मैंने ये कर लिया हुआ है, ये गंदगी देखिए यहाँ पड़ा हुआ था, ये मैंने इसको साफ नहीं किया था, दिखाता आपको मैं, देखिए ये हो गया, ये देखिए यहाँ से देखिए ये हो गया भाई, वीडियो बड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन इसको देखने के बाद में
कंप्यूटर की सर्विसिंग कैसे की जाती है आप सिंपल तरीके से सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला भाई। एकदम आप लोग को मैं चाहता हूँ कि मास्टर बना दूँ, ठीक है, जिसको हम साफ़ कर लेते। देखिए ये निकाल लेते हैं यहाँ से, और ये गंदगी भाई, देखिए ये गंदगी है, ये गंदगी है, ये गंदगी है, अब देखिए ये हाथ से गंदगी निकल चुकी है। अब क्या करते हैं, जो ये हमारा मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड पहले मदरबोर्ड सेट करेंगे। मदरबोर्ड सेट करने के लिए जैसे निकाले हुए थे ऐसे, देखिए ऐसे रख के इसको हम यहाँ से खोलेंगे और यहाँ पे इसको हम ऐसे रख देंगे जैसे था ये। देखिए यहाँ ब्लेजर लगा हुआ है, इसको देखिए सेट करिए इसको, और देखिए ये फिट हो गया, इसमें फिट हो गया। अब देखिए स्क्रू यहाँ लगाना है, स्क्रू यहाँ लगाना, देख करके स्क्रू इसको लगा दीजिए आप। अभी हम तार नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, स्क्रू देख करके हम इसको हम लगा के सेट कर देते हैं। मेरा कहाँ गया पेचकस भैया? हाँ मेरा पेचकस ही मिल गया, ठीक है। तो ये लगाने दिक्कत नहीं आपको ना, देखिए ये मैंने स्क्रू लिया और उसके बाद यहाँ लगा के इसको हम ऐसे टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये आपको दिक्कत नहीं होगा टाइट करने में, जितना स्क्रू दिया हुआ साइड में चारों तरफ स्क्रू कर लीजिए आप। ये हो गया, उसके बाद इस साइड से ये चारों तरफ स्क्रू हो गया, मदरबोर्ड टाइट हो चुका है। अब बारी आती है SMPS की। हार्ड डिस्क निकाला नहीं था हमने, राइटर निकाला नहीं था। अब इसको देखिए ऐसे रखते हैं, ये जो रहेगा लिखा हुआ ना इस साइड रहता है, और इसको देखिए ऐसे भी लगाने के लिए इसको सिंपल ऐसे करके देखिए ये हम इसको ऐसे कर देते हैं, सेप में आ चुका है। देखिए एक स्क्रू यहाँ टाइट हो रहा, एक यहाँ यहाँ होगा। तो देखिए ऐसे करके हम दिखाने के लिए आपको हम हाथ से इसको एक बार ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे। देख लीजिए आपका कंप्यूटर कैसा है, अगर SCL का है तो ठीक तो ऐसे ही लगेगा, अगर किसी दूसरे ब्रांड का है तो दूसरे तरीके से खुलता है लगता है। देखिए ये हम इसको भी टाइट कर दिए, ये हो गया, ये टाइट हो चुका। इसी प्रकार से चार स्क्रू दिया हुआ है, चारों को हम यहाँ पे रख के और हम यहाँ पे इसको ऐसे टाइट कर देते हैं। देखिए ये टाइट हुआ, SMPS भी सेट हो गया है, ये मदरबोर्ड भी सेट हो चुका है। अब बारी आती है तार लगाने की, कौन तार कहाँ लगेगा। तो सिंपल बता रखा हो ना पहले, ये देखिए ये लगा हुआ है, ये करंट है मदरबोर्ड का, तो ये लॉक दिया हुआ, लॉक को देख करके ऐसे उल्टा लगाऊंगा लगेगा नहीं, तो ये दबाइए और इस ऐसे पकड़ के इसको देखिए यहाँ रखिए और सिंपल ऐसे इसको दबा दीजिए। देखिए ये दब गया एकदम, ठीक है, ये आ गया। अब मदरबोर्ड का पावर, ये एक मदरबोर्ड कनेक्शन और देते हैं, ये होते हैं 12 वोल्ट कनेक्शन। देखिए इसमें लॉक दिया हुआ है, तो यहाँ दिखना है लॉक, देख कर यहाँ देख कर जो लॉक से साइड से उसको लेकर के देखिए और उल्टा लगाने लगेगा नहीं, यहाँ लॉक दिया हुआ है, लॉक मैच करा लीजिए और इसको लेकर के यहाँ पर आप ऐसे इसको थोड़ा उल्टा है, ये दब गया, ठीक है। अब बारी आती है इस हार्ड डिस्क को करंट देने की, पावर देने की SMPS से। तो देखिए इसमें एक ये वाला होता है नॉर्मल तरीके पुराना वाला, पाटा वाला, और इसको बोलते हैं साटा पतला वाला। तो देखिए उल्टा लगेगा नहीं, तो देख के इसको लगा दीजिए, हार्ड डिस्क है ये, और यहाँ पर हम इसको ऐसे देख के कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। ये हमने इसको ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया, और उसके बाद राइटर लगाना है तो राइटर में भी ये वाला दिया लगा सकते हैं। उसके बाद एक कनेक्शन दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं साटा डाटा केबल, तो ये देख के लगाने के लिए। तो दोनों साइड कोई किधर लगा सकते हैं, तो देखिए इस कंप्यूटर में हमेशा आपको दिखेगा साटा पोर्ट, ही दिख रहा है आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, तो किसी भी पोर्ट के अंदर लगा देंगे। और नॉर्मली देखिए कि नंबर 1 पोर्ट कहाँ दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो ये वाला पोर्ट जो दिया हुआ है नंबर 1 पे दिया हुआ है, उस पर देख के हम नंबर 1 पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 दिया हुआ, तो 0 वाले में देख के इसको हम लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया और एक साइड लगा देते हैं हम इस हार्ड डिस्क के अंदर। देखिए ये लॉक दिया, इसको दबा करके निकाले थे हम, तो यहाँ पे लगा के इसके ऐसे सिंपल इसको देख करके उल्टा नहीं लगेगा, उल्टा लगाएंगे टूट जाएगा, तो ये वन साइड लगता है, इसको हमने लगा दिया, अभी सेट हो गया। अब बारी आती है भैया सबसे कठिन चीज़ की, ये बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं फ्रंट पैनल, फ्रंट पैनल है ये। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर देखिएगा कि पावर का कनेक्शन कैसे करते हैं और ये कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ मदरबोर्ड लिखा रहता है फ्रंट पैनल लिखा रहता है। तो अभी देखिए इस पर लिखा हुआ पावर स्विच लिखा हुआ है, तो यहाँ पावर स्विच के ऊपर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सीधे सीधे कि यहाँ पे पावर स्विच का पहला जो बटन होता है वहाँ लगता है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले वाले को यहाँ लगा देता हूँ, दिखाता हूँ पहले वाले को यहाँ पर लगा के, और ये गलत लगेगा ना तो फिर आपका कंप्यूटर ऑन ऑफ नहीं होगा। देखिए ये लग चुका है, ये लग गया है ये पावर वाला। तो अब हम इसको कंप्यूटर ऑन कर देख लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर सही से काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, सब चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है ये हमने यहाँ पर कीबोर्ड लगा लिया और फिर उसके बाद पावर पोर्ट लगा दिया, मेन ये है, ये देखिए देखिए ये लगा करके अब मेन बोर्ड यहाँ से हम ऑन कर देते हैं, ऑन करते हैं, ये ऑन किया और सब कुछ ठीक है, लाइट देखिए इसमें जलने लगा है। अब यहाँ से इसको पावर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, पावर दबा दिया मैंने, फ़ैन चल गया कंप्यूटर का, फ़ैन चल चुका है।
अब देखिए टी से आवाज़ आएगी, इसका मतलब कि कंप्यूटर में चलना स्टार्ट हो चुका है। और इसी प्रकार से भाई देखिए ये स्लीप बोर्ड में चला गया, इसको दबा देते हैं लाइट को। देखिए लिख रहा है विंडोज़ स्टार्टिंग विंडोज़ दिख रहा ना। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को बाहर निकाल उसके पार्ट को दोबारा हमने असेंबल कर दिया, मतलब डिसेंबल करके दोबारा असेंबल कर दिया, हमारा कंप्यूटर चल गया। इस प्रकार से घर पर रह करके अपने कंप्यूटर का आप सर्विसिंग कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से टेक्नीशियन बुलाना जरूरत है अगर एक्सपर्ट है तो। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ये काम हर 6 महीने 1 साल के अंदर कराना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी गंदगी रहती है। देखिए हाथ पर से हमारा काला हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो बना के दिखा दिया आपको हमने, है वीडियो से कुछ आप सीखे हो तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो हो सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीखना चाहते हैं, ऐसी वीडियोज़ को देख के बहुत सारी चीज़ सीखते रहेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ पैसा भी कमा सकते। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।